आप लोगों ने कुछ मेल्स में फीमेल का कैरेक्टर देखा होगा, जैसे मेल्स में ब्रेस्ट का डेवलप हो जाना। देखो, इस कंडीशन को गायनेकोमास्टिया बोलते हैं, जो मेल्स में ज्यादातर प्यूबर्टी के एज के दौरान और ओल्ड एज वाले लोगों में होता है। चलो समझते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। देखो, हमारे बॉडी में दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डोमिनेट करता है, एस्ट्रोजन जो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डोमिनेट करता है। ये दोनों हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में एक रेशियो में पाए जाते हैं। मेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होता है और फीमेल में एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है, बट किसी वजह से मेल में एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है, जो कुछ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डोमिनेट करने लगता है, यानी कुछ फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करने लगता है। जैसे मेल में ग्रैंडुलर टिश्यू का ग्रोथ हो जाना, यानी ब्रेस्ट टिश्यू का डेवलप हो जाना, जिसके वजह से मेल को काफी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। अगर इसके बारे में और डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ब्रेन डायग्नो लिखकर कमेंट करें। थैंक यू।